गठिया रोग में क्या खाना चाहिए क्या नहीं। मोबाइल व ईमेल नोटिफिकेशन के जरिए आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू नुस्खे एवं स्वास्थ्य संबंधी नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और YouTube के बेल आइकॉन को प्रेस करें। गठिया रोग में लोग जोड़ों में बहुत अधिक दर्द महसूस करते हैं। इस बीमारी में होने के साथ साथ सूजन और अकड़न भी होती है। किसी भी उम्र के लोग, स्त्री या पुरुष, इस बीमारी के शिकार हो सकते हैं। हालांकि गठिया के कई प्रकार होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस गठिया का एक प्रकार है जो आपके जोड़ों को प्रभावित करता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस या संधिशोथ भी गठिया का एक अन्य प्रकार है जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता और जोड़ों दोनों को प्रभावित करता है। गठिया रोग में आप अपने खाने पीने पर ध्यान रखकर इस बीमारी से राहत पा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आर्थराइटिस या गठिया की समस्या में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। गठिया में क्या खाना चाहिए। गठिया में मछली खानी चाहिए। मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है जो सूजन को कम करने में मदद करती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के पूरक आहार जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही साथ यह सुबह जोड़ों में होने वाली अकड़न को भी कम करने में मदद करता है। मछली विटामिन डी का भी अच्छा स्रोत है जो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करती है। लहसुन खाएं गठिया में। लहसुन खाने के कई स्वास्थ्य लाभ है। लहसुन में ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कैंसर से लड़ने की क्षमता होती है। इसके साथ ही साथ इसमें ऐसे यौगिक भी पाए जाते हैं जो हृदय रोग से बचाते हैं। इसके अलावा इसमें सूजन को कम करने के गुण भी होते हैं जो गठिया के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं। लहसुन आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है। आर्थराइटिस में अदरक खानी चाहिए। अदरक को चाय में डालने के अलावा आप इसे सूप, मिठाइयों में भी डाल सकते हैं। अदरक गठिया के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। गठिया में ब्रोकली खानी चाहिए। ब्रोकली पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसके अलावा ये सूजन को कम करने में भी मदद करता है। इसके अलावा ब्रोकली में ऐसे यौगिक होते हैं जो गठिया के लक्षण को कम करने में भी मदद करते हैं। ब्रोकली में सल्फोराफेन नामक यौगिक पाया जाता है। यह यौगिक गठिया के निर्माण करने वाली कोशिकाओं को रोकता है। सल्फोराफेन नामक यौगिक सूजन को बढ़ाने वाले यौगिक के निर्माण को भी कम करता है। आर्थराइटिस में अखरोट खाएं। अखरोट में बहुत अधिक पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें ऐसे यौगिक मौजूद होते हैं जो सूजन को कम करते हैं। अखरोट खाने से सूजन को कम करने में मदद मिलती है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो गठिया को ठीक करने में मदद करता है। आर्थराइटिस में जामुन खाना चाहिए। जामुन में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा जामुन में क्वरकेटिन और रिटिन नामक यौगिक पाए जाते हैं जिनके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। क्वरकेटिन गठिया में होने वाले सूजन को कम करने में मदद करता है, इसलिए यदि आप गठिया के मरीज हैं तो स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी खाएं। इन्हें खाने से आपको गठिया से लड़ने के लिए कई प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। प्रिय दोस्तों, आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू नुस्खे एवं स्वास्थ्य से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। गठिया में पालक खाना चाहिए।
हरी और पत्तेदार सब्जियों में बहुत अधिक पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो जोड़ों में दर्द और गठिया की वजह से होने वाले सूजन को कम करते हैं। पर्याप्त मात्रा में सब्जी और फल खाने से जोड़ों में दर्द और सूजन को कम करने में मदद मिलती है। खासकर पालक में कैम्पेरोल नामक एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो सूजन को कम करते हैं और रोग से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। गठिया में खाएं अंगूर। अंगूर में भी बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें सूजन को कम करने के गुण भी उपस्थित होते हैं। इसके अलावा अंगूर में ऐसे कई यौगिक उपलब्ध होते हैं जो गठिया को कम करने में मदद करते हैं। रेसवेराट्रोल नामक एंटीऑक्सीडेंट अंगूर के छिलके में पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ अंगूर में प्रोएंथोसाइनिडिन नामक यौगिक मौजूद होता है जो गठिया के प्रभाव को कम करता है। गठिया में क्या न खाएं? गठिया में लाल मांस न खाएं। लाल मांस में बहुत अधिक संतृप्त वसा होती है जो सूजन को बढ़ाती है। इसके साथ ही साथ लाल मांस खाने से मोटापा भी बढ़ता है, इसलिए लाल मांस नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा लाल मांस में ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है और इसे अधिक खाने से सूजन बढ़ सकती है। हालांकि बिना चर्बी का मांस जैसे चिकन आदि खाने से आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलता है जो संधिशोथ या गठिया में लाभदायक है और सूजन को भी नहीं बढ़ाता है। आर्थराइटिस में चीनी नहीं खानी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट खाने से ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे चीनी युक्त स्नैक्स, पेय पदार्थ, वाइट ब्रेड, पास्ता और सफेद चावल खाने से आपके ब्लड शुगर का स्तर बढ़ता है। जब रक्त में शुगर का स्तर बढ़ जाता है तब शरीर में साइटोकिन्स नामक केमिकल का उत्पादन होता है। इससे शरीर में सूजन इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगती है और गठिया के लक्षण बदतर हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ सूजन बढ़ने से जोड़ों में दर्द भी बढ़ता है। इसके अलावा इन खाद्य पदार्थों को खाने से आपके जोड़ों में खिंचाव भी बढ़ जाता है। गठिया में तले हुए खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। तले हुए खाद्य पदार्थों को खाने से गठिया के दौरान सूजन आती है। तले हुए खाद्य पदार्थों में टॉक्सिन या विषैले पदार्थ मौजूद होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीकरण को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही साथ तले हुए खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में वसा भी होती है जिससे मोटापा बढ़ता है। गठिया में अधिक शराब न पिएं। शराब पीना नुकसानदायक होता है, इससे दौरान गठिया के लक्षण बढ़ते हैं। आर्थराइटिस में प्रोसेस्ड फूड न खाएं। गठिया रोग में प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, इन्हें खाने से गठिया के दौरान सूजन बढ़ती है। प्रोसेस्ड फूड में अधिक मात्रा में चीनी और संतृप्त वसा होती है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है, इसलिए इन खाद्य पदार्थों को न खाएं। प्रोसेस्ड फूड को खाने से गठिया के लक्षण बढ़ते हैं। डेयरी प्रोडक्ट खाने से जोड़ों में दर्द बढ़ सकती है। डेयरी उत्पादों में प्रोटीन मौजूद होते हैं, यह प्रोटीन जोड़ों के आसपास के ऊतकों के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसके अलावा गठिया रोगियों को शाकाहारी भोजन का सेवन करना चाहिए। प्रोटीन के भरपाई के लिए आप डेयरी उत्पाद और मीट की जगह पर सब्जियां जैसे पालक, सूखे मेवे, मक्खन, टोफू, बीन्स, मूंग दाल आदि खाएं। गठिया में अधिक नमक न खाएं। खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए उनमें अधिक नमक मिलाया जाता है। अधिक नमक खाने से जोड़ों में सूजन बढ़ सकती है, इसलिए कम मात्रा में नमक खाएं। कम नमक खाने से गठिया की समस्या में सुधार आता है। माइक्रोवेव में पकाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में सबसे अधिक नमक का इस्तेमाल होता है। मक्के का तेल न खाएं। मक्के का तेल और अन्य प्रकार के तेलों में ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है जो सूजन को बढ़ाता है। मछली तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो जोड़ों के दर्द से राहत दिलाता है।
इसलिए ओमेगा 6 फैटी एसिड की जगह पर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले तेल जैसे जैतून तेल, सूखे मेवे, अलसी के बीज और कद्दू के बीज को खाएं। गठिया आर्थराइटिस का आयुर्वेदिक उपचार। ऑथोक्सल प्लस कैप्सूल गठिया का आयुर्वेदिक इलाज है। यह कैप्सूल गठिया को कम करने में मदद करते हैं। ऑथोक्सल प्लस कैप्सूल्स की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट holisticayurveda.in पर जाएं। क्या आप भी किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान हैं? यदि हाँ तो निशुल्क आयुर्वेदिक परामर्श हेतु अथवा अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए remediesayurveda@gmail.com पर ईमेल करें या अपना प्रश्न यहाँ कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ें और हमारी आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए YouTube के बेल आइकन को प्रेस करें।